तो देखो बेटा, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स डालेंगे, हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या है? परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल, परकोलेशन रेट, परकोलेशन रेट। बात समझो परकोलेशन रेट का मतलब क्या होता है। अब देखो, जब ये सॉइल थी, सॉइल इसमें ये पानी डाला गया था, जब ये सॉइल थी इसमें जब पानी डाला गया था तो इसने क्या किया था कि इस पानी को जितनी इसकी क्षमता थी, जितनी इसकी कैपेसिटी थी, उतना इसने इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उतना इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल में। तो देखो इसमें क्या रहता है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो इसने एब्जॉर्ब किया, अमाउंट ऑफ वाटर ml में ले लेना बेटा, एब्जॉर्ब किया अपॉन कितने टाइम में एब्जॉर्ब किया, टाइम, कितने टाइम में इसने एब्जॉर्ब किया उसको, कितने टाइम में उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये परकोलेशन टाइम कहा जाएगा, इसको लिख लेता हूँ परकोलेशन टाइम, कुछ भी ले लो परकोलेशन टाइम, जो टाइम मिला हो तुम्हें, ठीक है, परकोलेशन टाइम हो गया, ठीक है, परकोलेशन टाइम। ये लेंगे हम मिनट्स में, मिनट्स में लेंगे। तो ये परकोलेशन रेट यही होता है, परकोलेशन रेट, परकोलेशन रेट। मेरी बात समझे, जरा फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हुआ क्या, तुमने जब ग्लास लिया था तो उसमें पानी भरा था, तो पानी कितने टाइम के अंदर मिट्टी के अंदर चला गया था, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर कितना पानी चला गया, और दूसरी बात है कि कितने टाइम के अंदर चला गया, वो मिनट। उन दोनों का मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, उन दोनों का क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो मिल गया मुझे परकोलेशन रेट, मुझे परकोलेशन रेट मिल गई, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 200 ml, 200 ml वाटर उसके अंदर चला गया था, 200 ml को ऊपर रख लिया और 20 मिनट के अंदर चला गया था, तो 20 मिनट नीचे रख लिया मैंने, ठीक है। मैंने इससे इसको काटा और ये 10 आ गया, 10 ml पर मिनट, ये इसका परकोलेशन रेट आ गया, ठीक है। अब परकोलेशन रेट, अब तुम्हें ये समझ आ गया। एक बार बताओ परकोलेशन कौन सी रोड का सही होगा, जैसे मान लो एक कच्ची वाली रोड ले ली मैंने, कच्ची सड़क ले ली है कच्ची, और दूसरी ले ली है पक्की सड़क, पक्की सड़क मतलब क्या हो गया, बनी हुई सड़क, ठीक है, बनी हुई सड़क ले ली, ठीक है। ये क्या है, मिट्टी वाली है और ये पक्की है, ठीक है, जो हमारी डामर, डामर वाली है, WBM, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि ये दोनों सड़कों में से, इन दोनों सड़कों में ये पक्की है, ये कच्ची है, कौन से में पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, हम जानते हैं कच्ची में एब्जॉर्ब हो जाएगा जल्दी, तो इसका परकोलेशन रेट किसका अच्छा है, कच्ची का अच्छा है कि पक्की का, कच्ची का, कच्ची का परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा कि पक्की का ज़्यादा होगा, नहीं कच्ची का कम होगा परकोलेशन रेट, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तुरंत ही कुछ टाइम में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और ये देखो बहुत देर, इस चक्कर में समझ आएगा नहीं, ये बहुत देर में होगा, बात आ गई समझ। तो परकोलेशन रेट बात करें अगर मिनट्स की, पर ml पर मिनट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कम टाइम में एब्जॉर्ब कर लेगा, कम टाइम में एब्जॉर्ब कर लेगा, कम टाइम यानी मेरी बात समझो, टाइम अगर कम लिया तो परकोलेशन रेट ज़्यादा हुआ, टाइम अगर कम लिया तो परकोलेशन रेट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो क्या होगा परकोलेशन रेट, आई एम सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, कच्ची का परकोलेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पर कच्ची का परकोलेशन रेट, के उसमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, उल्टा बोल गया था अभी थोड़ी पहले। तो परकोलेशन रेट क्या हुआ, उसका ज़्यादा होगा। देखो इसको इस तरीके से करके लिखते हैं बेटा, मतलब अगर टाइम अगर ज़्यादा हुआ तो ये परकोलेशन रेट कम होगा, यानी टाइम ज़्यादा तो परकोलेशन रेट कम होगा, और यानी हमने टाइम अगर मैंने ज़्यादा लिया, ज़्यादा लिया तो परकोलेशन रेट कैसा होगा, हाँ कम हुआ, इसका मतलब परकोलेशन, टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है मतलब परकोलेशन रेट कम है, अगर टाइम बहुत कम हो यानी तुरंत ही डाला पानी और एब्जॉर्ब उसके अंदर चला गया, रेत है, रेत में पानी डाला सीधा चला गया, तो उसका परकोलेशन रेट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। बेटा लिख लो इस चीज़ को, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल पता करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट मतलब, मॉइस्चर कंटेंट मतलब है कि पानी है, पानी कितना है सॉइल के अंदर, ये चेक करना चाह रहे हैं हम, तो कर लेते हैं चेक, कौन सी बड़ी बात हो गई, कर लेते हैं। अब देखो करना क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखना, थोड़ी सी मिट्टी भर के रख लेना बेटा, मिट्टी भर के रख ली तुमने, कोई भी मिट्टी भरने को कह रहा हूँ, मिट्टी भर के रख ली, और तुमने क्या किया उसे हीट करना शुरू किया फ्लेम पे, जब यहाँ से फ्लेम जब उसे हीट करना शुरू करेगी, यहाँ मिट्टी थी तो आसपास जो जो टेस्ट ट्यूब की जो सतह है,
ये यहाँ पर क्या रहेगा, इस सतहों पर थोड़ा थोड़ा सा जो वाटर ड्रॉपलेट्स आके जमा हो जाएंगी। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ के चिपक चुकी हैं। तो इसका मतलब ये सही बात है ना कि इस मिट्टी के अंदर ही तो था पानी, तभी तो यहाँ आ गया उड़ के, ये चिपक गई ना यहाँ पे, मिट्टी के अंदर था। तो इससे प्रूव हो गया कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मिट्टी के अंदर तो होता ही है। अब ये वाली बात आती है कौन सी मिट्टी के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल से उनका मॉइस्चर कंटेंट वेरी कर सकता है उसमें, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और चेक करते हैं उनकी। इसे लिख लो, इसे बना लो जल्दी से। सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की, पानी कितना सॉइल को होल्ड कर सकती है, ठीक है, उसको कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अच्छा सब सीख जाएंगे, एक चीज सीख जाएंगे, हो जाएगा सब। हुआ क्या, मान लो एक फनल लेना, अरे यार एक फनल ले लेना, फनल, ठीक है, फनल कुप्पी, फनल ले ली। अब क्या, उसे एक जार में रख लेना, ठीक है, रख लिया तुमने। क्या करना कि मिट्टी को लेके 50 ग्राम मिट्टी ले लो, 50 ग्राम तुम तो मर्जी से लेना, जितनी मिट्टी लेनी हो, मैं तो कह रहा हूँ 50 ग्राम ले लेना, मेरा सजेशन नहीं है। तो क्या करना, उस 50 ग्राम मिट्टी को इसके अंदर भर के रख दिया, फनल के अंदर भर के रख दिया, रख दिया। अब क्या करो, एक सिलेंडर लो और सिलेंडर में कुछ एक अलग से ग्लास लो, ठीक, उसमें क्या करो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भर को भर के रख लो। जैसे मान लो ये अमाउंट ऑफ वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है, अब देखते जाओ गौर से, क्लोज द डोर बेटा, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इसमें क्या वाटर को भर के रख लिया, वाटर भर के रख लिया, वाटर भर के। अब इस वाटर को क्या किया, इसका इनिशियल लेवल देख लो, मार्क कर लो कितना इसमें है, मतलब मेजर कर लो कितना वेट है इस वाटर का, ठीक है। अब क्या कर लो, उसको ले लो यू, उस वेट को ले लो यू यू, ठीक है। अभी क्या करो, इसको उठाओ और उठा के इसमें डालना शुरू करो, डालना शुरू करो। अभी तुमने एक बार वेट इसका मेजर कर लिया, अब तुमने डालना शुरू किया इसके अंदर पानी, डालना शुरू किया तो कुछ पानी इसके अंदर भरा रह गया, सॉइल के अंदर भरा रह गया, और कुछ पानी इसके नीचे निकल के यहाँ जमा होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा जमा, होने लगा जमा, होने लगा जमा, हो गया कि नहीं। अब इस वाटर को क्या कर लो, इस वाटर को भी इसी के अंदर डाल लो, वापस डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया उठाकर उसमें पानी को, ठीक है। अब इसके अंदर कितना भरा रह गया है, पानी भरा रह गया है। अब नए जो जितना भरा रह गया उसको तो छोड़ो, जो इसके अंदर पानी बच गया है, अब जितना बच गया उस वाले वेट को मेजर कर लो, उसको ले लो वी, उसको ले लो वी, ठीक है। अब क्या करो, एक फॉर्मूला बताता हूँ, यू माइनस वी अपॉन यहाँ वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल। यू क्या है यहाँ पर, यू यानी जो हमने पहले वेट नापा था सिलेंडर का, पहला वेट, माइनस वी क्या है, बाद में जो वेट नापा, बाद में जो वेट नापा, ठीक है, डालने के बाद उसके अंदर, अपॉन कितनी मिट्टी ली थी अपन ने, 50 ग्राम ली थी ना, तो यहाँ 50 ग्राम मिट्टी हो गई, 50 ग्राम मिट्टी। इससे पता बढ़ गया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पता बढ़ गई परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो गया बेटा इसके अंदर, 100 और मल्टीप्लाई कर लोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, यानी पहले माइनस बाद में अपॉन 50 इंटू 100, मतलब कहना चाह क्या चाह रहा हूँ, यू माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। तो इससे पता पड़ जाएगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्व, ठीक है बेटा। तो इस चीज को लिख लो बेटा जल्दी से। ये रहा बेटा मान लो सिलेंडर, अभी मैं इसके पानी का पहले वेट कर लिया, मैंने वेट निकाल लिया और उस वेट को मैंने यू ले लिया, उस वेट को क्या ले लिया, यू ले लिया, यू यू ले लिया, हाँ वेट, कुछ भी यू नहीं मतलब कुछ भी वेट आया, जो भी आया कुछ भी, ठीक है, तो वेट को लिख लिया तुमने, तो जो भी है वो यू मतलब जो भी, ठीक है, वो वाला वेट हो गया। अब क्या किया, अब क्या किया, मैंने मिट्टी ली, मिट्टी ली और मिट्टी में डालना ऐसे शुरू किया, डालना शुरू किया, तो मिट्टी ने क्या कर लिया, इस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, कर लिया, अब पानी के एब्जॉर्ब हो गया। अब सिलेंडर के इसमें वेट में कमी आ गई होगी ना, आ गई होगी ना, तो उस वाले फिर से वेट मेजर किया कि अब कितना वेट हो गया, तो जो नया वेट आ गया उसको वी, कोई भी नया वेट कुछ भी हो सकता है, लिख लिया कुछ भी, यानी पहले जो वेट नापा था बाद में जो वेट नापा, समझ आ गया। मिट्टी कितनी ली थी तुमने, मिट्टी, मिट्टी मैंने कहा 50 ग्राम ली मैंने, तो इसलिए नीचे 50 ग्राम रख लिया, तुम मिट्टी जितनी लो उतनी नीचे रख लेना, नीचे रख ली, इंटू 100 कर देना,
इंटू हंड्रेड करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, हंड्रेड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज निकालने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, तो इसलिए इंटू हंड्रेड हो गया। यानी यहाँ पर हमारी चीज़ें क्या क्या वेरी कर सकती हैं, कुछ अलग हो सकती हैं, पहले वाला वेट अलग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बाद वाला वेट भी कुछ भी अलग आ सकता है, मिट्टी भी तुम अलग अलग तरीके के ले सकते हो, मगर हंड्रेड तो मल्टीप्लाई होना ही है परसेंटेज निकालने के लिए, इतनी सी बात है। तो यही है परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाई द सॉइल, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यही यही इससे ये पता पड़ता है कि मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि तुम खुद सोचो कि अगर पहले पानी इतना था, इसमें से पानी, अब इसका पानी का वेट तुमने निकाला इतना है, ठीक है, तो इतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया ना इतना पानी एब्जॉर्ब, तो मतलब समझ जाओ इतनी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ऐसे थोड़ी किसी को बताओगे इतनी है, इसलिए मेजर करके बताया, ये इससे पता पड़ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कहेंगे इतनी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझ आया बेटा, पक्का पता समझ आ गया? ठीक है बेटा, ठीक है लिख लो। देखो बेटा, अब फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार और समझने की कोशिश करो। अभी मान लो पानी का वेट यू है, यू लिख लो सब अपने अपनी कॉपी में, वेट पानी का यू है। अच्छा अच्छा ठीक है, पानी यू है, अब एब्जॉर्ब कर लिया मैंने, एब्जॉर्ब कर लिया मैंने, अब पानी को वेट मेजर करो, अब वेट है वी, वी लिख लो वी बेटा, यानी अब पहले वाला जो यू आया था तुम्हारी वैल्यू, यू में से भी घटाओ, वो घटाओ, यू में से भी घटाओ। मान लो शुरू में देखो, मान लो पहले वाला पानी का वेट कितना था, जब पानी का वेट कितना था, यू की जगह मान लो, यू की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, एक बार मान लो 50 ग्राम पानी है, ठीक है सुनते जाओ, चलो दोबारा करते हैं बैठ के, समझ नहीं आया तो, 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम ठीक है, 50 ग्राम पानी, सब सीख जाओगे एक एक चीज़, टेंशन ना लो। चलो बेटा शुरुआत करते हैं, तो मान लो 50 ग्राम पानी है ये, 50 ग्राम पानी ठीक है, स्टार्ट करते हैं, 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम ठीक है, लिख लो 50 ग्राम पानी, अभी पहले 50 ग्राम है, लिख लो 50 ग्राम है, पहले 50 ग्राम है ठीक है। अब पी लिया, मान ली 10 ग्राम पानी पी चुका हूँ, अब इसका चेक किया तो कितना 40 ग्राम लिख लो, अब कितना बचा 40 ग्राम। अब खुद यही बात बतानी है, यानी पहले कितनी वैल्यू थी 50, बाद में कितनी हो गई 40, तो 50 माइनस 40 करो 10, कितनी आई 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ऊपर वैल्यू आ गई कि नहीं। अब नीचे क्या रखना है, नीचे मुझे समझ लो मैं मिट्टी हूँ और मैंने पानी एब्जॉर्ब किया है, तो मान लो मिट्टी बेटा ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, मान लो 20 ग्राम मिट्टी थी, 20 ग्राम हूँ मैं ठीक है, 20 ग्राम वेट है मेरा ठीक है, तो 20 से नीचे डिवाइड कर लो ठीक है, सीख गया कि नहीं, बस आप समझ गए ना, हाँ जो जो मिट्टी का वेट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो सीख गया कि नहीं। चलो बेटा ठीक है लिख लो बेटा, तो आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा देना है। थैंक यू।